सर को पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, सर किसी भी चीज़ से ना इरिटेट नहीं होता, कोई डाउट नहीं रखते, सारे डाउट्स को क्लियर कर देते हैं। ये सर इतना ही न्यूमेरिकल कराते हैं, बच्चा प्रैक्टिस करके न्यूमेरिकल हर चीज बढ़िया से कर देते हैं। आपका ऐसा क्या ट्रिक्स है जो बच्चे उसको अच्छे से समझ पाते हैं और उनको समझने में दिक्कत नहीं होती है, और आपने ये सब्जेक्ट का चयन क्यों किया था? देखिए, जब मैंने पढ़ाई की तो मुझे शुरू से ही पढ़ाई से थोड़ा सा ये इंटरेस्ट था कि मैं टीचर बनूंगा, क्योंकि पढ़ाने में मुझे बहुत फ्रॉम द बिगनिंग मुझे बहुत आनंद आता था इस शहर में या और भी कहीं जगह। बच्चों को पढ़ाया तो जाता है लेकिन उनको एक प्रॉपर जो नींव रखने की बात होती है वो नहीं होती है। हम अपने शहर में ही देखते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो बच्चों को सपने बहुत बड़े बड़े दिखाते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि आप आ जाइए, मैं आपको आईटी का प्रिपरेशन करवा दूंगा, मैं आपको आईटी कंप्लीट करवा दूंगा। तो मैंने सोचा कि इस तरह के तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो दावा तो करते हैं, भले हो या नहीं हो वो तो खैर बात की बात है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चे के बेसिक्स को ठीक किया जाए। आप देखेंगे कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी तो बहुत आगे की करते हैं लेकिन उन्हें आप छोटी छोटी बातें पूछ देंगे तो वो उनका जवाब बताने में असमर्थ रहते हैं। तो ऐसे बच्चों से हम ये उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं कि वो बहुत आगे तक सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को चुना, मैंने टीचिंग को इसलिए चुना कि मुझे लगा कि कहीं न कहीं कमी है, हमारे सिस्टम में कमी है। हमारे बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जो सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पे पढ़ा देते हैं, बच्चों को समझ में आए नहीं आए। तो मेरा पर्सनली ये प्रयास रहता है कि जो भी बच्चे मेरे कंसर्न में आते हैं उन्हें मैं एक प्लेटफॉर्म दे सकूं, उन्हें मैं सारी चीज़ों को समझा सकूं, और बच्चे अगर थोड़ा सा भी बात मानते हैं, अगर अच्छा करने का कोशिश करते हैं तो बेशक मेरे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा मार्क्स भी लाते हैं, बहुत अच्छा उनका कंसेप्ट भी डेवलप होता है। मेरे बहुत सारे बच्चे 98-99% तक लाए हैं। तो मेरा ये कोशिश रहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि शिक्षा को कमर्शियल फॉर्म ना दिया जाए, पहले बच्चों की पढ़ाई ने उनका फ्यूचर, उसके बाद बाकी कुछ। तो बच्चे जब आपके पास आते हैं तो वे बड़ी उम्मीद से आते हैं कि मैं फलाने सर के पास जा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा हो जाए, उस पर खड़े उतरना भी एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं पढ़ाऊँगा और बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से, नहीं अपने तरफ से मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ और उनके अंदर एक जिज्ञासा मैं जगा सकूं कि पढ़ाई, मैं किसी सब्जेक्ट का जो कर रहा हूं उसमें मेरा इंटरेस्ट जग सके। और फिजिक्स तो खासकर बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये तो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, हमारे आसपास सब जगह फिजिक्स है। बस ज़रूरत है कि बच्चों को थोड़ा सा उत्साह जगाने की और उस उत्साह में आके वे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, यही हमारी कोशिश रहती है। मनीष जी, अब आने वाले कुछ समय में 11th और 12th का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आप बच्चे को क्या सलाह देंगे कि एग्ज़ाम कैसे प्रिपरेशन करें? बच्चों को चाहिए कि अब समय उनके लिए बहुत कम है और वो अपने एक एक सेकेंड, एक एक मिनट का सदुपयोग करें। जो भी उन्होंने अभी तक पढ़ाई की है अपने ऊपर कभी वो प्रेशर बनने ना दें। प्रेशर जब बच्चे अपने आप पे क्रिएट कर लेते हैं तो उनका जो पढ़ा हुआ चीज़ है वो भी उनको लगता है कि बहुत भारी हो गया है। खास करके साइंस में कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक एक चीज़ को, एक एक विषय को, एक एक पॉइंट्स को बहुत ध्यान से उन्हें याद में रखना होता है। और जब CBSE की हम लोग बात करें तो CBSE में क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें क्वेश्चन ये रहता है कि कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान रहते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट भी होते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो जब तक बच्चों में कंसेप्ट डेवलप नहीं करेगा तब तक वो अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। ऐसे होना तो ये चाहिए कि फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही अगर वो एक घंटा दो घंटा
प्रतिदिन एक सब्जेक्ट पे ध्यान दें, सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें, एनसीईआरटी को बेस में रखें, तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। एक बात तो तय है कि जो बच्चे साल भर एक प्रॉपर तरीके से मेहनत करते हैं, रिजल्ट उन्हीं का बहुत अच्छा आप कह सकते हैं कि 90 प्लस में जा सकता है। एक दो दिन में कुछ या एक महीने में ऐसा नहीं है कि बहुत बच्चे पढ़ के बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब एग्ज़ाम का समय अभी नज़दीक है तो उन्हें चाहिए कि उन्होंने जितनी चीज़ों को अभी तक में पढ़ा है उनको एक प्रॉपर अपना टाइम शेड्यूल निर्धारित करें, सेल्फ स्टडी पर फोकस करें और हर एक सब्जेक्ट को 2 घंटा 3 घंटा वो टाइम दें और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें। कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने 4 घंटा पढ़ा 5 घंटा पढ़ा, लेकिन उन्हें यह भी पता नहीं रहता कि हमने पढ़ा क्या। लेकिन अगर कंसंट्रेशन के साथ अगर 1 घंटा 2 घंटा भी बच्चे मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। एग्ज़ाम का समय नज़दीक है, इसीलिए बच्चों को चाहिए अपना एक रूटीन बनाएं, कम से कम 6 घंटे की वो नींद लें। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि रात में जाके पढ़ाई करते हैं, नहीं दिन में उनको नींद आने लगती है, बीमार लोग पड़ जाते हैं, तो 6 घंटे की नींद भी ज़रूरी है। और उसके अलावा जो समय बचा हर एक सब्जेक्ट में बाँट लें और उसको एक प्रॉपर तरीके से तैयारी करें। मनीष जी, आजकल बच्चे शॉर्टकट अपनाते हैं, उनको रिसेंटली रिजल्ट चाहिए, उसके लिए बच्चे को क्या आप सजेस्ट करेंगे? शॉर्टकट से कभी सफलता नहीं मिल सकती है। बच्चे तो ये ज़रूर चाहते हैं कि मुझे कुछ क्वेश्चन मिल जाए, मैं उसे याद कर लूं और उसका आंसर मैं एग्ज़ाम में लिख के मार्क्स ले आऊं। लेकिन अभी की परिस्थिति में ऐसा संभव है नहीं। बच्चों को जब तक पूरे सब्जेक्ट का एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, मान लीजिए अगर उसको मार्क्स किसी तरह से आ भी जाता है लेकिन अगर नॉलेज नहीं रहा तो फिर भविष्य में उसका कोई ज़्यादा उपयोग हो नहीं पाता है। तो बच्चों को चाहिए कि वो विषय वस्तु पे गहन अध्ययन करें, उसको बहुत ध्यान से तैयार करें, एक एक चीज़ों को समझें ना, और अपने कंसेप्ट को इस तरह से क्लियर करें कि कोई भी क्वेश्चन उनसे अगर पूछा जाए तो वो उनका जवाब प्रॉपरली दे सके। बच्चे जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो उनको समय का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई एक क्वेश्चन अगर उसको आता है तो उसी में टाइम वेस्ट कर देते हैं, रेस्ट क्वेश्चन उनसे छूट जाता है। अगर बच्चे चाहते हैं कि हमें अच्छा से अच्छा मार्क्स आए तो क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करने ही होंगे, ऑप्शन तो बहुत कम रहता है, लेकिन उनके लिए उनको पहले से तैयारी करनी होती है। इसके लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, उनको घर में बैठ के या अपने शिक्षक के सहायता से उनको पहले से इस तरह से तैयार हो करना होगा कि समय का वो सही तरह से मैनेजमेंट कर सकें। और सारे क्वेश्चन जब वो अटेम्प्ट करेंगे तभी उनको मार्क्स अच्छा आएगा। CBSE में स्पेशली क्वेश्चन ऐसा रहता है कि 3 घंटे अगर बच्चे प्रॉपरली उसको लिखेंगे तभी वो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, और इसके लिए उनको पहले से तैयार होना होगा। जो जो एग्ज़ाम करीब होते जाता है पेरेंट्स का भी प्रेशर बच्चे पे बहुत ज़्यादा होने लगता है, बच्चे से एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होने लगती है, ऐसे पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे आप? हाँ, ये बात तो सही है, बच्चों को पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है, इंस्टीट्यूशन का भी प्रेशर रहता है, पर्टिकुलर टीचर लोग भी उस पर प्रेशर देते हैं, और उन्हें खुद भी अच्छा करने की जब ललक होती है तो उन्हें खुद भी एक वो अपना एक प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं। तो प्रेशर क्रिएट नहीं हो इसके लिए बच्चों को पहले से तैयार रहना होगा। अगर कोई बच्चा पूरी तरीके से तैयारी करता है और उसको धीरे धीरे सारी चीज़ों को तैयार करके और फिर वह एग्ज़ाम में जाता है तो बेशक उस पर ना प्रेशर बनता है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी के समय में बच्चे जब 10th पास करते हैं तो मैक्सिमम जो उनके अभिभावक होते हैं उनका ये उम्मीद रहता है, उनका ये सपना रहता है
कि बच्चे हमारे आईआईटी कंप्लीट कर जाएं, नीट कंप्लीट कर जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, वे ये भी नहीं देखते हैं कि मेरे बच्चे की रुचि कैसी है, किस सब्जेक्ट में उसकी रुचि है, किस में वो अच्छा कर सकता है। मैं गार्जियन को ये सलाह ज़रूर देना चाहूँगा कि वो बच्चे के रुचि के बारे में पहले पता करें। ऐसा नहीं है कोई बच्चा अगर आर्ट्स पढ़ता है या कॉमर्स पढ़ता है तो उसमें स्कोप नहीं है। हर एक सब्जेक्ट में स्कोप है, हर एक सब्जेक्ट में लोग अच्छा कर सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे हमारे इंजीनियर ही बने, डॉक्टर ही बने, नहीं, और भी बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें वो जा सकते हैं। तो गार्जियन को अभी के समय में बहुत ऐसे छोटे शहरों में खासकर पता भी नहीं रहता है कि और क्या क्या स्कोप हो सकता है, इसीलिए वो ज़बरदस्ती बच्चों को कहते हैं नहीं तुमको यही करना है। इसमें भी थोड़ा सा नुकसान बच्चों का होता है। पहले ये होना चाहिए कि बच्चे को उनकी रुचि के हिसाब से सब्जेक्ट चुनने दिया जाए, उसमें बेशक अभिभावक या टीचर उनकी मदद कर सकते हैं, और उसके बाद भी फिर जब वो पढ़ाई शुरू करते हैं तो उसके बाद भी उनको चाहिए कि हम इस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट हमारा कौन सा इंटरेस्टिंग है, हम किस फील्ड में जाएंगे, और उन प्रेशर बहुत बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मैं देखता हूँ, जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना किसी प्रेशर के भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, और बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन पे बहुत प्रेशर दे दिया जाता है लेकिन वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, वो आगे बढ़ने में उनको थोड़ी परेशानी होती है। तो प्रेशर तो खैर नहीं ही दिया जाना चाहिए। तो उनको एक चीज़ ये ज़रूर होना चाहिए कि मैं शुरुआती दौर से ही सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ूँ। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है जो आजकल अक्सर हर पेरेंट्स किसी न किसी तरीके से नुकसान झेलते हैं। हम उन बातों को कहना चाह रहे हैं कि बच्चे जब असफल हो जाते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे बच्चे को, ऐसे पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? ऐसे बच्चों को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ये बात तो पहले तय कर लेना होता है कि मैंने जो भी सब्जेक्ट चुना है मैं उतना मेहनत कर सकता हूँ कि नहीं, और अगर आपने सब्जेक्ट ले लिया तो आपको किसी न किसी तरीके से उसके पीछे मेहनत करना ही पड़ेगा, और गार्जियन को भी बच्चों को थोड़ा सपोर्ट करना होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर असफलता मिल जाती है तो ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है कि वो सुसाइड कर लें या मान लीजिए घर से भाग जाएं या बहुत तरह की ऐसी बातें होती है, ये तो मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। अगर बच्चे असफल हो भी जाते हैं तो गार्जियन को भी चाहिए और टीचर को भी चाहिए कि उनको थोड़ा मोटिवेट करें, है ना। और कभी ऐसा होता है कि बच्चे ठीक है असफल हो गए किसी न किसी कारण से, लेकिन अगर उनको फिर इस बात को वो अगर एहसास आ जाए कि नहीं मैं एक बार असफल हो गया हूँ और मैं आगे चल के बहुत अच्छा कर सकता, ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं इतिहास में और ऐसे भी वर्तमान समय में भी कि बहुत बच्चे असफल होने के बाद भी बहुत अच्छा अच्छा कर सकते हैं, बहुत सक्सेस की सीढ़ी तक चढ़ सकते हैं। इसीलिए उन्हें मानसिक तौर पे थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो हमें उन्हें ज़रूर देना चाहिए। आप शिक्षक हैं, आप भी कई जगह इन्विजिलेटर के रूप में जाते होंगे, आपको भी हर क्वेश्चन का एक टाइम पता होगा कि इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगना चाहिए, तो बच्चे को कैसे सजेस्ट करेंगे आप कि अगर 10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है तो पर क्वेश्चन पे कितना टाइम आप उसमें इन्वेस्ट करें टाइम, जो आपको सारा क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। जी जी, जैसे मैं अगर CBSE की बात करूं, क्लास 12th फिजिक्स में 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से 5 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर रहता है जिसका एक वर्ड में या एक सेंटेंस में जवाब दिया जाता है। 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 2 मार्क्स रहते हैं, उनका आंसर 3 से 4 लाइन में दिया जाता है। 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 3 मार्क्स के रहते हैं और वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उनमें डिस्क्रिप्शन एक पेज या जैसा क्वेश्चन रहता है उसके हिसाब से आंसर करना पड़ता है। और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है जो वैल्यू बेस्ड रहता है, और 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन कहलाते हैं।
तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर बहुत आसानी से, जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, उसमें एक वर्ड या एक सेंटेंस में उसका आंसर हो जाता है। तो कभी कभी होता है कि बच्चे उसी को बहुत लॉन्ग करके लिखने लगते हैं, तो उसमें फिर समय बर्बाद होता है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें भी बच्चों को टू द पॉइंट रहना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर मान लीजिए कभी पूछा जाता है कि राइट द एक्सप्रेशन, बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं, वो इसको डिड्यूस करने लगते हैं, फार्मूला डिराइव करने लगते हैं, तो उसमें समय की बर्बादी होती है। तो क्वेश्चन टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि ज़्यादा लिखने से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी उसी के हिसाब से आपको आंसर करना होता है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर रहते हैं जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल टाइप के जो प्रॉब्लम रहते हैं उसमें कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर ज़्यादा हो, तो बच्चों को चाहिए कि उसको थोड़ा सा पहले से प्रैक्टिस किया जाए और समय पे हम सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकें। मनीष जी, सोशल ग्लोबल न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मुझे यहाँ बुला के अवसर देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मनीष सर के स्टूडेंट पिछले 2 साल से पढ़ रहे हैं 11th और 12th में। उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि जहाँ पे बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है, ये सर इतना ही न्यूमेरिकल कराते हैं, बच्चा प्रैक्टिस करके न्यूमेरिकल हर चीज़ बढ़िया से कर देते हैं। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। सर कुछ भी पढ़ाते हैं तो एक बार में समझ में आ जाता है, जैसे कि न्यूमेरिकल्स बताते हैं तो वो भी समझ में आ जाता है अच्छे से। और थ्योरी तो सर का बहुत ही अच्छा है, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं, मतलब कि भागते नहीं, एक एक चीज़ अच्छे से समझाते हैं। सर का पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। सर एनसीईआरटी का हर एक सवाल बताते हैं एकदम पेशेंस के साथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, किसी भी चीज़ से ना इरिटेट नहीं होता है। सर जितना भी पूछा बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। कि सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, कोई भी डाउट नहीं रखते, एकदम क्लियर करते हैं सारा डाउट, बिना किसी दिक्कत का हम बना सकते हैं कोई सवाल। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है और सारा डाउट्स को क्लियर कर देते हैं, न्यूमेरिकल सारा बता देते हैं एनसीईआरटी का।